can fly. Everyone, welcome to yet another episode of Khel Tantra. दोस्तों आज इस वीडियो पे we are going to talk about some latest transfer news related to North East United FC. What are the latest transfer news? What are the latest contract extension performed by the club? चलिए आज इस वीडियो पे discuss करते हैं. दोस्तों यहाँ पे North East United FC ने दो बहुत ही crucial player को retain किया है. जी हाँ, यहाँ पे मुझे नाम लेना पड़ेगा रोचार्ड जेला के बारे में. जी हाँ, रोचार्ड जेला एक बहुत ही talented Indian midfielder है. इससे पहले आई लीग में आइजोल एफसी के तरफ से फुटबॉल खेलकर अपने आप को साबित कर चुके हैं. लास्ट सीजन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के तरफ से क्या टावर तोड़ परफॉर्मेंस उन्होंने पेश किया था. दोस्तों वन ऑफ द ब्राइटेस्ट फुटबॉलर इन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी स्क्वाड भी आप उनको कह सकते हैं. और अपकमिंग सीजन के लिए रोचार्ड जेला नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ कंटिन्यू करेंगे. सो दिस इज अ वेरी गुड डिसीजन टेकन बाय द नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट दैट दे हैव डिसाइडेड टू रिटेन रोचार्ड जेला. और यहाँ पे दोस्तों रोचार्ड जेला के साथ एक और अहम प्लेयर टीम के तरफ से फुटबॉल खेलेंगे एंड ही इज नन अदर देन लाल खापुई मपुया और वी कैन कॉल हिम मपुया. जी दोस्तों मपुया एक बहुत ही जबरदस्त सेंटर फॉरवर्ड थे. आई लीग में इससे पहले आइजोल एफसी चर्चिल ब्रदर्स एफसी के तरफ से फुटबॉल खेले थे मपुया ने. एज ए विंगर भी वो फुटबॉल खेल सकते हैं. लेकिन दोस्तों लास्ट सीजन नॉर्थ ईस्ट एफसी के फर्स्ट टीम में रहने के बावजूद मपुया को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे थे. आई एम श्योर दैट इज गोइंग टू चेंज दिस सीजन क्योंकि यहां पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के पास अपकमिंग सीजन के लिए क्यों एक ही फॉरेन स्ट्राइकर है. जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट डेशन ब्राउन. डेशन ब्राउन के अलावा नॉर्थ ईस्ट एफसी के स्क्वाड में कोई भी फॉरेन स्ट्राइकर नहीं है. एक तरफ से आप इसको एक निगेटिवली भी ले सकते हैं बिकॉज इफ ऑन द कोर्स ऑफ द सीजन डेशन ब्राउन गेट्स इंजर्ड देयर विल बी प्रॉब्लम फॉर नॉर्थ ईस्ट एफसी इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइकर्स डिपार्टमेंट. अगर आप इस बात को पॉजिटिवली लेंगे देन देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन स्ट्राइकर्स टू परफॉर्म इन इंडियन सुपर लीग. तो यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं अपकमिंग सीजन में. लेकिन एक बात कंफर्म है, इट विल बी वर्थ सपोर्टिंग नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी दिस सीजन क्योंकि एक बहुत ही मिक्स्ड स्क्वाड है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का. यहां पे दोस्तों टीम में कुछ बहुत ही यंग प्लेयर्स भी आ गए हैं लास्ट ट्रांसफर विंडो में और टीम में कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर भी मौजूद है. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हर्नान सांटाना, फेडरिको गायगो, मथायस कोरियर जैसे प्लेयर्स के बारे में जिन्होंने काफी सारे फुटबॉल खेल चुके हैं अपनी लाइफ में. तो अपकमिंग सीजन में इट विल बी वर्थ सपोर्टिंग नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी. It will be worth watching North East United FC's game. आप North East United FC से upcoming season के लिए क्या उम्मीद करते हैं? क्या आपके मुताबिक North East United FC top 4 के लिए qualify कर पाएंगे? Comment section खुला है आपके लिए, अपना opinion comment section में जरूर दीजिएगा. इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में. Until then, stay safe, stay healthy. अलविदा.